देखो आज के टाइम में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बहुत सारी बातें करते हैं, हमारे फोन में ऐसा कैमरा, हमारे फोन में वैसा कैमरा, बात ना मतलब 200 मेगापिक्सल तक पहुंच गई है, लेकिन फिर साथ में कंबाइन कर देते हैं 2 मेगापिक्सल का टुच्चा सा मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा। मतलब लगता है कि यार क्या कर रहे हो, मतलब यू नो क्या चल रहा है, क्योंकि एक टाइम था हमारे पास और आज से मैं बात कर रहा हूं 10 साल पुरानी, ऐसे फोन्स थे यार हमारे पास में। यहां पे गाइस ये है नोकिया लुमिया 1020 और नोकिया ने जो लेजेंडरी काम किया था ना इस फोन के साथ में, मतलब इट वाज क्रेजी। आज आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते हैं और हम पता लगाते हैं कि आखिर बैक इन दोज डेज नोकिया किस तरीके से कंप्लीटली डोमिनेट कर रहा था पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री को, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ देयर कैमराज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो मैंने भी ना नोकिया के मतलब बहुत सारे फोन्स यूज किए हैं, नोकिया N सीरीज, नोकिया E सीरीज, और मतलब वो जो टाइम था ना जब नोकिया कंप्लीटली स्मार्टफोन इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहा था, यू नो विद कंप्लीटली यूनिक अप्रोच, कि उनको बताया कि भैया देखो ये जो फोन लाइनअप है पूरा ये है बिजनेस वाले लोगों के लिए, ये जो फोन लाइनअप है ये है पूरा एंटरटेनमेंट वाले लोगों के लिए, बीच में कैमरा सेंट्रिक फोन्स। तो मतलब देख के लगता था कि हाँ भाई इनोवेशन हो रही है और हर एक जो नया फोन है वो कंप्लीट एक नया रिवोल्यूशन लेके आता है। आज भी मुझे याद आता है यार वो दिन कि नोकिया ने 808 को अनाउंस किया, 2012 की ये बात थी, और वो फोन लेके आया था अपने साथ में 41 मेगापिक्सल का कैमरा, लेजेंडरी फोन। दिक्कत कहां थी, बस उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर था भाई वो सिम्बियन था और जो बाकी पूरा हार्डवेयर था ना वो थोड़ा सा मॉडेस्ट था, मतलब यू नो कैमरा उसकी बहुत सॉलिड यू नो तगड़ी एक फोन के अंदर पॉइंट, फिजिकल ND फिल्टर था उस फोन के अंदर। कैन यू इमेजिन जो आज की डेट में कैमरास के ऊपर लोग अलग से कसते हैं वो उसमें इनबिल्ट था। और नोकिया ने तुरंत उसके एक साल बाद 2013 में इसको लॉन्च किया, नोकिया लुमिया 1020। और गाइज ये जो फोन है इनफैक्ट आज भी चालू हालत में है और बड़ा मक्खन चलता है, मतलब आप सोच के देखो भाई ये फोन ऑलमोस्ट 10 साल पुराना है अभी, और 10 साल पुराना फोन आज की डेट में वर्किंग कंडीशन में है, इस तरीके से पूरा रन कर रहा है, एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ नोकिया। हाँ आज नोकिया हो चुका है वो एक अलग कहानी है भाई, लेकिन यहां पे गाइज ये जो फोन था ना आज अगर मैं इसके बारे में बात करता हूँ, इट केम विद अ 41 मेगापिक्सल कैमरा। मजे की बात देखो आप द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी की है, ये कैमरा जो है सामने से भी इस टाइम पे क्लोज्ड है, बिकॉज कैमरा अभी मैं ऑपरेट नहीं कर रहा हूं, जब कैमरा ऐप ओपन करूंगा तो ये लेंस सामने से खुलेगा, आपको दिखाता हूं, लुक एट इट। तो ये जो काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जो इस फोन के अंदर नोकिया ने इनेबल करके दी थी, यहां पे OIS भी था, यहां पे Xenon फ्लैश भी था, और ये जो फोन है ये प्योर व्यू टेक्नोलॉजी पे काम करता था। और प्योर व्यू टेक्नोलॉजी अगर आपको मैं बताऊं कि नोकिया ने क्या अचीव किया था विद देयर यू नो बिगर सेंसर्स, इज कि मैं देखो 41 मेगापिक्सल्स की यहां पे जो है वो टेक्नोलॉजी लगा दी, लेकिन अब आप फोटोज तो उस पे लोगे नहीं, आपको पोस्ट करनी है फोटोज अपने सोशल मीडिया वगैरह पे, या नॉर्मली आपको फाइल साइज कम चाहिए, तो यहां पे दे यूज टू कंबाइन द पिक्सल्स और जो आउटपुट आपको मिलता था वो मिलता था 3 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल्स लाइक दैट। तो आपको बहुत ही एक रिच शार्प इमेज मिलती थी बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ 41 मेगापिक्सल्स वाला कैमरा सेंसर। और नोकिया ने जो चीजें अचीव की थी 808 के साथ में, बाद में इसके साथ में, दीज वर क्लास अपार्ट, मतलब कोई कॉम्पिटिशन आसपास दूर दूर तक था ही नहीं। और इनफैक्ट आज भी अगर आप इसको कंपेयर करते हो यू नो विद सम अदर ऑप्शंस, तो आपको लगता है कि भाई ये तो कई केसेस में जो आज के कैमरा फोन से उनको ही बीट कर देता है। अगर हम बात दोस्तों करते हैं इस फोन की बाकी एज यू नो हार्डवेयर अगर हम देखें तो दिस वॉज नोकिया, प्लास्टिक का फोन है ये। आज की डेट में वी थिंक प्लास्टिक इज अ चीप मटेरियल, विच ऑफ कोर्स इट इज बिकॉज द वे कंपनीज आर यूजिंग, बट ये यूनिबॉडी पॉलीकार्बोनेट डिजाइन जो नोकिया ने इंट्रोड्यूस किया था बैक इन दोज डेज, इट वॉज आइकॉनिक। कंप्लीट आपको दिखेगा इसका फ्रेम, इसका बैक, आपको एकदम ऐसा सिंगल प्लास्टिक केसिंग मिलता है और इट्स अ गुड क्वालिटी प्लास्टिक विद गोरिल्ला ग्लास 3 ऑन द फ्रंट। सामने हमारे पास में एक OLED स्क्रीन था विच वॉज अगेन छोटा सा प्योर मोशन 4.5 इंचेस का HD+ डिस्प्ले विद नीचे ये सब बटन्स वगैरह, नोकिया की क्लियर ब्लैक टेक्नोलॉजी काफी अच्छे से इसमें जो विंडोज पे रन कर रहा था। और अगर आप अभी भी देखोगे ना भाई, लुक एट द फ्लुइडिटी यार, विंडोज बेचारा मार खा गया, मतलब ढंग से जो है वो चीजें हो नहीं पाई आगे, अदरवाइज आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड OS इन टर्म्स ऑफ लुक्स, इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन, एक अलग फील था यार, मतलब एंड्रॉइड जैसा भी नहीं है, iOS जैसा भी नहीं है, विंडोज का जो पूरा ये जो टाइल वाला सिस्टम था ये काफी यूनिकली यू नो एक डिजाइन की हुई चीज लग रही थी उस टाइम पे। और नोकिया ने काफी थोड़ा कोशिश तो किया बट
बट आगे चल के सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अगर हम बात करते हैं बाकी तो ऑफकोर्स यू नो उस टाइम पे फोन्स में से हेडफोन जैक मिलते थे, हमारे पास में एक फिजिकल कैमरा के लिए डेडिकेटेड बटन था, टू स्टेज यू नो हाफ टू फोकस एंड देन टू शूट, स्पीकर वगैरह है, यहाँ पे एक लैनयार्ड भी है आपको दिख रहा है इनबिल्ट, यू नो यहाँ पे इसके लिए कनेक्टर अगर आप करते हो पीछे दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट कैमरा। यहाँ पे इसके साथ में कैमरा ग्रिप भी आती थी अलग से, जो आपको एक अच्छा एक हाथ में प्रॉपर कैमरा वाली फील देती है यू नो अगर आप उसको यूज करते हो, जिसमें अगेन बैटरी थी जो इस फोन को और यू नो एक्स्ट्रा पावर देती थी। तो यार चीजें बहुत अच्छी थी, और अगर आप इसकी कैमरा ऐप देखते हो भाई द काइंड ऑफ ऑप्शंस इट हैज, इतना प्रिसाइज मैनुअल कंट्रोल ओवर थिंग्स, शटर स्पीड की अगर हम बात करें, बात करते हैं एक्सपोजर की, आईएसओ की या फोकस वगैरह की, जो आज की डेट में कंपनीज मिलते हैं ना, इस फोन में प्रो मोड है भाई। नोकिया कब से कर रहा था ये काम, मतलब आप सोच के देखो कितना तगड़ा ये फोन बनाया था। और अगर आप इसको आज भी यूज करते हो ना, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये आप ऐसे कुछ बहुत आउटडेटेड फोन यूज कर रहे हो। उस टाइम के हिसाब से पावरफुल भी था, इसमें स्नैपड्रैगन का S4 प्लस प्रोसेसर था, 2GB की रैम थी, 2000mAh की बैटरी वगैरह, और मतलब जो एक पूरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही यूनिक था। बट सैडली नोकिया का उस टाइम पे डाउनफॉल चल रहा था, और ज़्यादा जो है वो नोकिया एक्सपेरिमेंट्स कर नहीं पाया इस फील्ड में, ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। बाकी हमने देखा है कि कैसे एंड्रॉयड और iOS ने पूरा मार्केट डोमिनेट किया। सैमसंग उस टाइम पे यू नो आगे बढ़ रहा था विद देयर S लाइनअप, उस टाइम पे गैलेक्सी नोट आ गया था, आईफोन जो है वो भी उस टाइम पे आईफोन 4S और 5 का टाइम था, करते करते आईफोन ने भी आगे जो है वो छलांगें लगाई। बट उस टाइम पे जो ये लीडर हुआ करता था नोकिया था, साथ में HTC था, तो देख के लगता था कि यार कंपनीज जो है ना वो कुछ नया ट्राई कर रही है, कि अब ये कुछ नया हुआ है। मतलब यहाँ पे जो पूरी टेक्नोलॉजी है ना गाइस इस कैमरा में, आज भी कई बार अगर हम देखें मार्केट में नो ऑप्शंस, तो लगता है कि भाई नोकिया वाज वे अहेड ऑफ द टाइम, और नोकिया ने उस टाइम पे जो चीजें अचीव करें इस कैमरा के साथ में, अगर आप साइड टू साइड कंपेरिजन भी देखते हो भाई, तो इवन टूडे द फोटोज कम आउट रियली गुड। द ओनली थिंग जो आई थिंक जिसकी वजह से नोकिया मार खाया, कमाल का हार्डवेयर, बट विंडोज जो था, ऑल्दो काफी अच्छा OS था, काफी लोग विंडोज को पसंद भी करते थे, बट इतना लंबा ये नहीं टिक पाया, एंड बिकॉज ऑफ दिस टुडे दिस फोन इज डेड। नोकिया जो है वो भी अभी आप जानते ही हैं कि नोकिया इज नॉट मेकिंग स्मार्टफोन्स एनीमोर। नोकिया जो है वो बाद में HMD ग्लोबल बना, अभी HMD ग्लोबल जो है वो नोकिया के नाम से फोन्स वगैरह बनाता है, कुछ कुछ अच्छे बन जाते हैं, बट मेजॉरिटी किसी को पता ही है भैया क्या चीज़ें चल रही हैं, कितने यू नो आपको ऐसे ओवर प्राइज्ड और अंडर पावर्ड फोन्स मिलते हैं फ्रॉम द लाइक्स ऑफ HMD ग्लोबल। बट देर वॉज अ टाइम जब हर इंसान की पहली पसंद हुआ करता था नोकिया, बिकॉज ऑफ दीज फोन्स, बिकॉज ऑफ द लेगेसी नोकिया का। मेरे को आज भी याद है नोकिया N8 12 megapixels विद Xenon फ्लैश, देन नोकिया 808 41 megapixels, नोकिया 1020 अगेन 41 megapixels, फुल HD वीडियोज आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो चीजें हैं मतलब इन फोन के अंदर, आई थिंक वी मिस यार। आज की डेट में जो मोबाइल फोन होते हैं, कंपनीज जितना मर्जी बात कर लें, साल में 25-25 फोन्स लॉन्च कर देते हैं विद सिमिलर स्पेसिफिकेशन, सिमिलर चीज़ें, अब ये आ गया है, फिर ये आ गया, फिर ये रेस लगा रखी है यार, और यू नो मीडियोक्रिटी है चारों तरफ। कैमरा में 64 की बात करते हैं एक तरफ, बट साथ में फिर चिपका देते हैं 2 megapixel, आई मीन व्हाट इज द पॉइंट। आई थिंक दिस फोन डिजर्व्स फेयरवेल ही समझ लो इसका, बेचारा 10 साल पुराना हो गया है, तो हमको याद करना चाहिए और हमको यू नो सोचना चाहिए कि यार हम कहाँ थे और आज हम क्या कर रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया गाइज, और आप बताओ कि आपका कोई फेवरेट नोकिया फ़ोन था, या कोई एक फ़ोन जिसका आपको लेने का बड़ा मन था, आपने यूज़ भी किया, हो सकता है आप ना ले पाए हो, यू नो वट एवर योर स्टोरी इज़, नीचे कमेंट करते हुए। मेरा फेवरेट फ़ोन टिल डेट अगर मैं आपको बताता हूँ जितने मैंने आज तक यूज़ किए हैं, तो नोकिया E90 इट वॉज़ माई फेवरेट, और ये भी था, ये भी यूज़ किया था, और मज़े की बात चल रहा है यार। आई डोंट थिंक कि आज का कोई ऐसा फ़ोन होगा जो इतना लंबा चल जाएगा, बट दिस इज़ वॉट नोकिया इज़ ऑल अबाउट। टेबल में खड्डा हुआ है इस फोन से जस्ट अभी यहाँ पे, हथौड़ा की तरह यूज कर सकते हो भाई इस फोन को। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।